नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में चुनावी पारा बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और बेलारी में करेंगे जनसभाएं। 24 की चुनौती में बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। अमित शाह यूपी, जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में संभालेंगे कमान, तो वहीं राजनाथ सिंह गुजरात में करेंगे जनसभा। आज तापमान के साथ बढ़ेगी चुनावी सरगर्मी। राहुल गांधी ओडिशा के सालेपुर में करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव मुरादाबाद और बरेली में साधेंगे निशाना। वहीं मायावती मुरैना में करेंगी प्रचार। रूस ने मध्य और पश्चिम यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर दागे मिसाइलें। हमले में 4 बिजली संयंत्र को पहुंचा नुकसान। ज़ेलेंस्की ने कहा ईयू को गैस आपूर्ति करने वाले संयंत्र को बनाया गया निशाना। राजस्थान रॉयल्स की लखनऊ सुपर जायंट्स पर 7 विकेट से रॉयल जीत। कप्तान संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल ने जड़े नाबाद अर्धशतक। आज आरसीबी की गुजरात जायंट्स और सीएसके की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। लोकसभा चुनाव के बाकी 5 चरणों के लिए राजनीतिक दल जनसभाएं, रैलियां और रोड शो करने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में लगातार 4 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बेलगावी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उत्तर कन्नड़ के सिरसी, दावणगेरे और बेल्लारी में रैलियों को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील करेंगे। आम चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा। बेलगाम लोकसभा सीट कर्नाटक की हॉट सीटों में से एक है। यहां से 2021 के उपचुनाव और 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने जीत दर्ज की है। बहरहाल भाजपा ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को चुनाव मैदान में उतारा है। सामने मुकाबला राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के पुत्र मृणाल हेबालकर से है, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। डीडी न्यूज से बातचीत में जगदीश शेट्टार ने इस मुकाबले में जीत का दावा किया है। We have with us BJP contestant Mr. Jagdish Shettar from Belgaum seat. Just talk to him, sir. How do you see this contest? No, Belgaum is a stronghold of the Bharatiya Janata Party. Earlier, 4 times Suresh Angadiji, he elected from this constituency regularly, continuously. And even in the last occasion, 2019 election, he got elected by margin of around about 4 lakhs votes. So that is a huge lead, and it is a stronghold of the BJP. Now also, under the leadership of Modi ji, people wants Modi ji has to become third time Prime Minister. Young Congress leader is also contesting against you. So how do you see? No, as usually Congress is fielding candidates in entire Karnataka. Like here also they are fielded candidate, and now there is no credibility for the Congress in Karnataka. Corruption is going on, law and order maintenance is not very weak. So people's confidence in Congress government is almost coming down. So here also in Belagavi, there is no credibility for the Congress party in Belagavi district. Thank you, sir. Thank you. So he is quite enthusiastic about his victory, but let's see what people has to say when they will vote and cast their vote. From Belagavi, this is Chandrasekhar with camera person Shiv Kumar for DD India.
और हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं बेलगावी से ही चंद्रशेखर हमारे संवाददाता, और साथ में उत्तर कन्नड़ से के सिरसी से जुड़ रहे हैं नितेंद्र सिंह। तो सबसे पहले हम आएंगे चंद्रशेखर के पास। चंद्रशेखर, जैसा कि हमने देखा कि आप इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ दौरा भी है आज, तो आज क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? देखिए, यहाँ पर अभी जो है, जैसे आपने बताया कि कर्नाटका में चार रैलियाँ भी हैं, और लगातार जो जो पीक पे ये है जो कर्नाटका में वो जब लोकसभा चुनाव को लेकर के जो प्रचार है वो काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है। जो बेलगावी की सीट है, ये सीट बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट है इस दौरान में, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने दिखाया कि जगदीश शेट्टार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि एक्स CM भी रहे हैं कर्नाटका के, और एक जाना माना चेहरा यहाँ पर हैं। और दूसरी तरफ जो लक्ष्मी हेवालकर हैं, उनके बेटे, क्योंकि वो यहाँ से महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, और उनके बेटे मृणाल हेवालकर जो हैं वो यंग चेहरा हैं कांग्रेस की तरफ से, वो यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। और दोनों के बीच में ही जो टक्कर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ काफ़ी एक्सपीरियंस दिखता है तो दूसरी तरफ जो यंगस्टर्स हैं वो उनकी तरफ खिंच रहे हैं। तो ये जो जो मुकाबला है ये निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर आगमन आज होगा। और जिस प्रकार से वो एक स्टार प्रचारक रहे हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा चुनाव में प्रचार को लेकर के, तो वो भी तमाम बातें यहाँ पर रखेंगे। जिस प्रकार से जो केंद्र की में जो जिस प्रकार से काम हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर बातें होगी निश्चित तौर पर यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है स्टेट में, तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के भी यहाँ पर बात हो सकती है। तो ये तमाम ही चुनावी जो वादे हैं या दावे हैं उन पर जनता किस प्रकार से सोच रही है वो तो आने वाले वक्त में जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा, जब 7 मई को होनी है। लेकिन उसके बीच में ये जो प्रचार है लगातार चल रहा है कर्नाटका में, और उसी की एक जो जो एक बानगी है वो आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, और हमारे साथ इस वक्त नितेंद्र भी जुड़े हुए हैं सिरसी से, और हमारे साथ बने रहिए आप चंद्रशेखर। फिलहाल हम नितेंद्र के पास आते हैं। नितेंद्र, जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस वक्त सिरसी में मौजूद हैं, PM का दौरा भी है और वो जनसभा भी करेंगे, तो अगर हम इस सीट की बात करें, सिरसी की सीट की बात करें, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सिरसी उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट के अंतर्गत है, और सिरसी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, और यहाँ पर लगातार BJP इस सीट से जीतते आ रही है, और इससे पहले अनंत हेगड़े 4 बार लगातार यहाँ से जीते हैं, लेकिन उस बार उनका टिकट काट दिया गया है, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को BJP ने यहाँ से टिकट दिया है, और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अंजलि निम्बालकर को कांग्रेस ने यहाँ से उतारा है, जो विधायक रही हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत ही तगड़ा और कांटे की टक्कर है यहाँ पर। हम जानते हैं कि अनंत हेगड़े अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते थे, इस वजह से भी माना जा रहा है कि उनकी टिकट यहाँ से काट करके नए चेहरे को यहाँ से BJP ने टिकट दिया है। और प्रधानमंत्री चूंकि 7 मई को तीसरे चरण में उत्तरी कर्नाटक में 14 सीटों पे वोटिंग होना है, और जो ये सीट है वो BJP का गढ़ माना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। अगर 19 की बात करें तो 14 सीट BJP के खाते में गई थी, और प्रधानमंत्री के यहाँ आने से ये माना जा रहा है कि बहुत इम्पैक्ट होगा, इन 14 सीट पर भी इम्पैक्ट होगा, और इसका असर जो 7 मई को वोटिंग पड़ेगा उसमें होगा। अगर मुद्दों की बात करें तो BJP विकास, विरासत और के मुद्दों पे आगे लड़ रही है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार जो कर्नाटक में है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है इसको लगातार प्रधानमंत्री पूरे देश में भी उठा रहे हैं, कर्नाटक में भी इस बात को उठा कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, और अगर 19 की बात करें तो 28 में से 25 सीट BJP के खाते में गई थी, और दक्षिण के एक तरह से गेटवे भी कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है कर्नाटक को, और BJP की कोशिश है कि अपने पुराने जो प्रदर्शन है उसको दोहराए, और इस बार JDS के साथ उसका अलायंस है, और BJP की कोशिश है कि 28 से 2800 सीट यहाँ पर लाएं। अगर हम कर्नाटक की मिजाज की बात करें तो बहुत डिफरेंट टाइप से वोटिंग यहाँ होती है, अगर स्टेट असेंबली की बात करें तो अलग तरीके से वोट यहाँ के लोग करते हैं, और सेंटर के जब लोकसभा की बात आती है तो अलग तरीके से यहाँ से वोट करते हैं। तो कांग्रेस को विधानसभा में यहाँ के लोगों ने जीता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा में के चुनाव में कर्नाटक की जनता वोट करती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है BJP के लिहाज
से देखा जाए तो इसीलिए आज 4 जनसभा उत्तरी कर्नाटक में प्रधानमंत्री का है और धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे हैं और लगातार अटैक कर रहे हैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सिरसी काफी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि आज जनसभा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो किन खास बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री विकास को लेकर के बीते 10 साल में जो विकास के कार्य हुए हैं और विरासत की जो बात होती है खासतौर पे, और कांग्रेस पे लगातार वो हमलावर होते रहे हैं, खासतौर पे जो कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, आरक्षण के इशू को लेकर के देखें कि कैसे ओबीसी एससी के जो आरक्षण है वो मुस्लिम समुदाय को दिया जा रहा है, ये लगातार अपने जनसभाओं में प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, तो ये जरूर यहाँ पर फोकस रहेगा उनके जनसभा में, ऐसा है। और जो सरकार जिस तरीके से 10 साल में काम की है, देश और दुनिया में जो नाम हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर बात होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर गारंटी वर्सेस गारंटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस की भी अपनी गारंटी है, कांग्रेस अपनी गारंटी 5 गारंटी के बल पर विधानसभा में यहाँ जीती है और कांग्रेस को भरोसा है कि हम उन गारंटी के जरिए लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एक तरफ कांग्रेस की गारंटी है, दूसरी तरफ पीएम मोदी की गारंटी है और इन गारंटी के बीच की लड़ाई है और जनता किसे चुनेगी ये तो 7 मई को वोटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है और प्रधानमंत्री के आने से ऐसा भाजपा का मानना है कि बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे 14 सीट है जो नॉर्थ कर्नाटका का है। बिल्कुल, यानी कर्नाटक की ये दोनों ही सीटें, बेलगावी की बात करें या सिरसी की, दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और आज प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से कुछ और ख़ास चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चंद्रशेखर और नितेंद्र। और चुनावी गलियारे से खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, फिलहाल एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए, अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल जीरो होगा, ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी, कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताएं। दादू, आपका तारा मतलब बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कह जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज एटा के कासगंज, मैनपुरी और इटावा में सभाएं करेंगे, वे कानपुर में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के चुनावी दौरे पर रहेंगे, सबसे पहले नड्डा बंगाल के बहरामपुर और नादिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, बाद में नड्डा का ओडिशा के गंजाम जिले में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे, राजनाथ सिंह आज सुबह अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बाद में खंपात और भावनगर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे।
केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुंबई में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर आना शुरू हो गया है। बता दें कि मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र में इस बार 20 मई को मतदान होना है। बहुत ही आशीर्वाद मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के लिए, उनके काम के लिए, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, मैं समझता हूँ हम सब के लिए गर्व की बात है। और विशेषकर यहाँ तो हमारी नारी शक्ति इतने बड़े संख्या में है, कौन भूल सकता है वो दिन जब हमारे माता बहनों बहुओं बेटियों को शौच के लिए गाँव में खेत में जाना पड़ता था। कौन भूल सकता है वो दिन जब देश की आधी जनसंख्या के पास एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं था। इनको भी एलपीजी था, लेकिन अगर रिफिल चाहिए तो 15-15 दिन रुकना पड़ता था, ललो चप्पो करनी पड़ती थी सिलेंडर वाले, और पानी की किल्लत, अनेक समस्याएं, जिसमें बहुत काम हुआ है, बहुत पहल हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली, बदायूं और एटा जिले में रैली करेंगे। 80 करोड़ राशन। विपक्षी इंडी गठबंधन के पार्टियों के नेता भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा के 4 लोकसभा क्षेत्रों कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर और जगतसिंहपुर में होने वाली रैलियों में शामिल होंगे। उधर इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज मुरादाबाद, बरेली और संभल में अपने उम्मीदवार के समर्थन में रैली करेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता आज भी दिल्ली में रोड शो करेंगी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगी। बसपा प्रमुख मायावती मध्य प्रदेश में हुंकार भरेंगी और मुरैना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। मणिपुर बाहरी संसदीय क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होगा। मणिपुर में 26 अप्रैल को हुए चुनाव के बाद राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पत्र जारी कर इन केंद्रों पर 30 अप्रैल को दोबारा मतदान कराने की घोषणा की है। चुनाव आयोग की ओर से जारी पत्र के अनुसार मणिपुर संसदीय क्षेत्र के अखरूल विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों के अलावा चिंगमई और करोंग के एक एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान होगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश की लंबित सीटों सहित लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी अगली सूची जारी करेगी। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों रायबरेली और अमेठी के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने कल केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक की। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से सीईसी को प्रस्ताव दिया गया कि गांधी परिवार को अमेठी और रायबरेली सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है। अब तक कांग्रेस ने 7 चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 308 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को लेकर देश का राजपूत समुदाय बहुत ही नाराज है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले देश में राजा महाराजाओं के शासन काल में जब जिसका मन करता था वो उसकी जमीन छीन लेता था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे, किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राजपूत समाज पर दिए गए एक बयान का वीडियो शेयर किया है और राहुल गांधी ने तुरंत राजपूत समाज से माफी भी मांग ली है। अमित मालवीय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के इस बयान पर कहा कि राहुल गांधी को इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए तुरंत राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के कर्नाटक के बेल्लारी में दिए भाषण की 24 सेकंड की एक वीडियो क्लिप शेयर की है।
गुवाहाटी में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। चुनाव आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत निकाली गई साइकिल रैली में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत ट्रांसजेंडर्स फैशन शो का आयोजन किया गया। भोपाल के राग भोपाली 10 नंबर मार्केट में आयोजित इस फैशन शो में शामिल ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने लोगों से चुनाव में मतदान की अपील की। गुजरात के अहमदाबाद में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी गतिविधि के रूप में एक ड्रोन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सम्मिलित हुए। तो ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी कुछ खबरें। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, binge watch all seasons. 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? Holiday? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूक्रेन पर रूस के हमले, 4 बिजली संयंत्र क्षतिग्रस्त हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर 32 मिसाइलें दागी थी, जिसमें से यूक्रेन की वायुसेना ने 21 मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया। बिजली संयंत्र से जुड़ी कंपनी DTEK ने कहा कि ऊर्जा संयंत्रों में कई लोग घायल हुए हैं। दक्षिण पूर्वी निप्रापोट्रोस क्षेत्रों में 2 बिजली संयंत्र प्रभावित हुए हैं। पश्चिम लवीव और इवानो फ्रेंकोस्क क्षेत्रों में भी हमलों की सूचना है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मिसाइल हमले में एक मनोरोग अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया और एक व्यक्ति घायल हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले में यूरोपीय संघ को गैस आपूर्ति करने वाले संयंत्र प्रभावित हुए हैं। और खेल की खबरों में, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में राजस्थान रॉयल्स का दमदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर प्रतियोगिता के प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को और मजबूती दे दी है। लखनऊ में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ की टीम ने 5 विकेट पर 196 रन का स्कोर किया, जिसके जवाब में राजस्थान की टीम ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर 193 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। राजस्थान की इस जीत में कप्तान संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल का अहम योगदान रहा। संजू सैमसन ने 33 गेंदों पर नाबाद 71 रन बनाए, जबकि वहीं ध्रुव जुरैल ने नाबाद 52 रन बनाए। राजस्थान की 9 मैचों में यह 8वीं जीत है।
इंडियन प्रीमियर लीग में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये इस सीरीज में पहली बार होगा कि जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। आईपीएल में ये दोनों टीमें अब तक कुल तीन बार भिड़ी हैं, जिसमें दो बार बाजी गुजरात के हाथ लगी है, वहीं एक बार आरसीबी ने जीत दर्ज की है। आज दिन के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक दूसरे के खिलाफ होंगी। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ मौसम का मिजाज।